हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाव आइडियाज़। मैं सुमेधा, आप सबकी दोस्त, और आज मैं आपके लिए छोटी छोटी भूख की एक रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चे और बड़े दोनों आप खा सकते हैं, एज ए स्नैक्स, स्टार्टर, किसी भी रूप में खा सकते हो। बच्चों की जो छोटी छोटी भूख होती है वो अब मिनटों में गायब हो सकती है। आप मोनाको सेफ बाइट्स की मैं रेसिपी बताने वाली हूँ आपको, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत कम चीज़ों में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फटाफट बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने एक बॉयल पोटैटो यानी कि उबला हुआ आलू लिया है, उसको मेस कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज डाले हैं, अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है मैंने, बारीक में काट लिया है उसे, और वो डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप पनीर भी डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को या आपको प्याज पसंद नहीं है तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और मैंने 1/4 टेबल स्पून के करीबन चाट मसाला डाला है, 1/4 टेबल स्पून के करीबन मैंने गरम मसाला डाला है, और 1/4 टेबल स्पून के करीबन मैंने काला नमक डाला है, और एक चुटकी मैंने गोल मिर्च डाली है। गोल मिर्च आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और 1/4 टेबल स्पून के करीबन मैंने जीरा पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है। अगर कुछ और मसाला आपको अगर ऐड करना है लाइक मैगी मसाला, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये है सेव, जिसको हम भुजिया भी कहते हैं, ये चाट पे ज़्यादातर चाट पे लोग इसे डालते हैं, तो वो वाला सेव हमें ले लेना है, बारीक सेव यानी कि भुजिया। और मैंने ये सॉस लिया है, ये ग्रीन चटनी लिया है, चटनी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और एट द लास्ट मैं इसमें मसाले में जो स्टफिंग है उसमें मैंने नींबू की कुछ बूंदें इसमें ऐड किया है मैंने। आप चाहे तो इमली का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको मोनाको बिस्किट्स लिए मैंने कुछ, जितनी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतनी आप ले लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से मैंने स्टफ छोटे छोटे टिक्की भी बना के आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको चिपका देना है सारे बिस्किट्स में, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा पा रही हूँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, और आई होप और बच्चों को बहुत पसंद आती है सारी चीज़ें। और आपको हल्के हल्के हाथ से दूसरा बिस्किट भी इसके ऊपर लगा देना है, चिपका देना है, मतलब बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना बिस्किट टूट जाएगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ, आप एक ही करके कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टफिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, और इस तरीके से मैं अब सॉस में इसे डीप करूँगी, पूरे डीप नहीं करना है आपको, सिर्फ चारों कॉर्नर में करना है, इससे आपको बिस्किट भी अच्छी से चिपक जाएगी। आपको कोटिंग करनी है सिर्फ साइड साइड से, इस तरीके से आपको सेव में भी जाके रोल कर देना है, कोटिंग करनी है साइड साइड, वो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए आप, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत जल्दी बन जाता है। हमारी जो छोटी छोटी भूख होती है, बच्चे कुछ सारा दिन क्या खिलाएं हम बच्चों को समझ नहीं आता, तो फटाफट ये बना के खिला सकती है। ये लिए मैंने ग्रीन चटनी में भी कोटिंग कर ली है, ऑल्टरनेट आपको कोई भी चटनी आप यूज़ कर सकते हैं, इमली की, पुदीने की, लहसुन की, जिसकी भी आपको पसंद है, सेजवान चटनी अगर पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन यानी कि धनिया की चटनी और सॉस केचप लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉस नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो इसको आप हल्का हल्का रोल करके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं उंगलियों से स्प्रेड कर दूँगी चारों तरफ, कॉर्नर में पूरा रोल कर देना है आपको, इससे आपका चिपक जाता है आसानी से बिस्किट, और काफ़ी सुंदर भी दिखता है, और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से ऑल्टरनेट करके मैं एक बार मीठी चटनी, एक बार तीखी चटनी, इस तरीके से मैं कर लूँगी। आप अगर जो भी खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी झटपट बनके हमारी छोटी छोटी भूख के लिए सेफ बाइट्स तैयार है। मोनाको बिस्किट सबके घर में होती है, बच्चों को पसंद भी होती है, तो लीजिए बनके तैयार है। सर्विंग के टाइम आप इस पर चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर चीज़ पसंद है चीज़ ग्रेट कर लीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये अपनी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और खा के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए किसने ट्राई किया और कैसी लगी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं फिर मिलती हूँ एक बेहतरीन वीडियो, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।